फ्रेंड स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके पहले के वीडियो मैंने जो है टेस्टिस के बारे में बता दिया था। अभी जो है नेक्स्ट जो होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में फ्रेंड जो है कैपट, कार्पस, कॉडा, मतलब कैपट जो है हेड वाले पोर्शन को बोलते हैं कैपट। एपिडर्मिस का हेड जो पोर्शन रहता है उसको कैपट बोलते हैं, इसको जो है पूरे बॉडी को बोलते हैं, और ये जो है टेल वाले पोर्शन को कॉडा बोलते हैं। तो फ्रेंड कैपट में जो है ये स्पर्म के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, ठीक है, ये कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। कैपट ये जो है ट्रांसफर का काम करता है, और जो कॉडा या टेल होता है यहाँ पे स्टोरेज रहता है, स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ वो रहते हैं। तो फ्रेंड मैं बताता हूँ कि पूरा जितना भी जो है स्पर्मेटोजोआ बनता है यहाँ पे 75%, ठीक है, 75% जो है ये कॉडा में स्टोर रहता है। फ्रेंड एपिडर्मिस जो है ओपन होती है वास डिफरेंस में, ठीक है। तो अगला क्या होता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। तो वास डिफरेंस का जो टर्मिनल पोर्शन रहता है कौन सा, टर्मिनल पोर्शन, ये क्या होता है इनलार्ज हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोर्शन वास डिफरेंस का इनलार्ज होता है, इसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं एम्पुला। ये सभी स्पीसीज में रहता है, डॉग और कैट में जो है ये नहीं रहता है, ये आपको याद रख। फ्रेंड एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जो वास डिफरेंस रहता है, वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकिल, आगे मैं जो है एसेसरी ग्लैंड बताने वाला हूँ, तो सेमाइनल वेसाइकिल इसका जो है एक कॉमन ओपनिंग होता है, दोनों जो है एक ही ओपनिंग में खुलते हैं, तो कॉमन ओपनिंग को क्या बोलते हैं, कालिकुलस सेमिनोलिस, क्या बोलते हैं कालिकुलस सेमिनेलिस, ये फ्रेंड आपको याद रखना है कालिकुलस सेमिनेलिस, यूरेथ्रा के थ्रू ये खुलते हैं, ठीक है। वासा डिफरेंस का इंटरनल पोर्शन क्या है एम्पुला, ये भी याद, मतलब वासा डिफरेंस का जो टर्मिनल पोर्शन क्या रहता है एम्पुला, ये भी याद रखना है। तो मतलब एक प्रकार से कहते हैं एम्पुला और सेमाइनल वेसाइकिल ये दोनों जो है एक ही जगह खुलते हैं, कहाँ पे, कॉलिकुलर सेमिनेलिस में, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फ्रेंड अब मैं बात करने जा रहा हूँ एसेसरी ग्लैंड्स जो रिप्रोडक्टिव में हेल्प करते हैं। तो एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से हो सकते हैं, एसेसरी ग्लैंड, तो एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन सा, सेमाइनल वेसाइकिल, दूसरा कौन सा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा कौन सा होता है कॉपर ग्लैंड। सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड आपको याद रखना है सेमाइनल वेसाइकिल और कॉपर ग्लैंड, ये दोनों एब्सेंट होते हैं किसमें, डॉग में, तो आपको रखना है डॉग में ये नहीं होता है और कॉपर ग्लैंड भी नहीं रहता है, ओके, एक पॉइंट याद रखना है। अब सेमाइनल वेसाइकिल जो है अदर एनिमल में क्या सिक्रेट करता है, ये जो है यहाँ से फ्रक्टोज, फ्रेंड कार्बोहाइड्रेट को याद रखना है कौन सा सिक्री, कौन सा रहता है फ्रक्टोज एंड सिट्रिक एसिड सिक्रीशन यहाँ से होता है, ठीक है, ये जो है लुब्रिकेशन का भी काम करता है, ओके, ठीक है। लुब्रिकेशन किसका करता है, यूरेथ्रा का, यूरेथ्रा का लुब्रिकेशन करता है, और इससे जो है फ्लूड तो सिक्रीशन तो होगा ही, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं सेमाइनल फ्लूड, जो सेमाइनल फ्लूड का सिक्रीशन सेमाइनल वेसिकल से होता है, ठीक है। अब आ जाइए प्रोस्टेट ग्लैंड,
प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूड ये सिक्रीट होता है। ओके, और आपको याद रखना प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वेजाइनल प्लग का भी काम करती है, वेजाइनल प्लग बनाती है मतलब अपोजिट सेक्स से। और फ्रेंड इसमें याद रखना प्रोस्टेट ग्लैंड में जो है टू सिक्रेटरी डक्ट होते हैं, किसमें, स्पेशली डॉग में, टू सिक्रेटरी डक्ट किसमें, डॉग में, ठीक है। काउपर्स ग्लैंड फ्रेंड, जो ये काउपर्स ग्लैंड होता है, नंबर एक तो डॉग में एब्सेंट होता है ये तो मैंने बता दिया, ये जो है क्लीनिंग का काम करता है, किसका क्लीनिंग का, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को क्लीन करता है, एक काम तो इसका ये है। दूसरा काम क्या होता है, प्री इजेकुलेशन सिक्रीशन यहीं से होता है, प्री इजेकुलेशन जो सिक्रीशन होता है वो काउपर्स ग्लैंड से ही होता है, ठीक है फ्रेंड। ये हुआ एसेसरी सेक्स ग्लैंड फ्रेंड। इसके अलावा जो काउपर्स ग्लैंड होता है ये नरिश भी प्रोवाइड करता है, स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्म सेल्स रहते हैं स्पर्मेटोजोआ उसको जो है नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। ओके फ्रेंड, तो यहीं पे वीडियो इसको ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।